बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नौकरियों यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग बताएंगे एनजीओ प्राइवेट सेक्रेटरीट में जो कि शानदार 2024 की नौकरियां आ गई हैं। इसमें तालीमी काबिल जो कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोग सिंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मर्द और खवातीन जो कि दोनों इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ और साथ ही साथ दोस्तों फील्ड स्टाफ में जो कि आप लोगों को नौकरी करने का जो शानदार मौका मिलेगा। इसमें तमाम तर तफसीलात बताऊंगा और अप्लाई करने का तमाम तर तरीका बताऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का जरूर ऑल पे कर दें। इसकी तमाम तर तफसीलात जानने के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आना है और सिंपली सर्च बॉक्स में इस तरह से आप लोगों ने टाइप कर लेना है बेस्ट पीके जॉब्स और सिंपली आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है तो टॉप पे दोस्तों आप लोगों को ये वेबसाइट इस तरह से मिल जाएगी www.bestpkjobs.info। इस वेबसाइट का जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो सिंपली आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर सिंपली आ सकते हैं। यहाँ पर आने का दोस्तों आप लोगों ने इसी वेबसाइट पहले लिंक पर क्लिक करना है और उसकी तमाम तफसीलात कुछ इस तरह से ओपन कर लेनी है। जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जो कि नज़र आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स जो कि प्रोविंस वाइज आपको ये सेक्शन नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो कि गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट वाइज का जो कि सेक्शन नज़र आएगा। इस सेक्शन में आने का दोस्तों आप लोगों ने जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स वाले बटन पर सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने जो कि ये भी इस तरह से सिंपली आ जाएगा और जैसे ही ओपन होगा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहली पोस्ट इस तरह से जो कि नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं मुस्लिम हेल्थ इंटरनेशनल रिलीफ एंड डेवलपमेंट एनजीओ लेटर जो 2024 इन पाकिस्तान ऑनलाइन अप्लाई। तो दोस्तों आप लोगों ने सिंपली पहली पोस्ट भी यहाँ पर क्लिक करना है और उसकी तमाम तफसीलात कुछ इस तरह से अपने पास ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे कर दें। इससे यह होगा जितनी भी नई आने वाली जॉब्स के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले जो कि आपके पास पहुँचेंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर हमारा जॉब्स अपडेट्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों सिंपली आप लोग या फिर यहाँ पर क्लिक करके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप लोग जैसे इसकी तमाम तफसीलात खुलेंगे आप लोग नीचे स्क्रॉल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दी गई आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे खाली असामियों के मतलब बताया गया आप लोग सिंपली ये भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पे जॉब्स क्राइटेरिया इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट जो कि 18 से 45 साल जो कि इसमें रखी गई है और इसमें तालीमी काबिल दोस्तों देख सकते हैं मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तालीम मतलब अप्लाई कर सकते हैं और आखिरी तारीख अप्लाई करने की यहाँ पर 20 अप्रैल 2024 जो कि दी गई है। उसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आपको इस तरह से मिल जाएगी। तो आप लोग सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रीड करके इसकी तमाम तक तफसीलात बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है तो और आप लोगों ने इसमें किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आपने जरूर ऑल पे करना है। दोस्तों सिंपली आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते लिखा गया करंट ओपनिंग, यहाँ पर जो कि वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वैकेंसीज की तमाम यहाँ पर जितनी भी अवेलेबल वैकेंसीज हैं यहाँ पर तमाम लिखी गई हैं नीचे, तो सबको मैं डिटेल से एक बार पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया। तो सबसे पहली वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बुर्सदर की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं और साथ इसमें दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आईटी स्किल का जो कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके साथ दोस्तों आगे देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट अप्लाई करने की लिखी गई है और साथ आगे अप्लाई नाउ का बटन भी दिया गया है। तो सिंपली इस तरह से तमाम चीज़ें आगे लिखी गई हैं, हर पोस्ट के आगे सिंपली सेम तरीकेकार का जो आपको मैंने बताया इसी तरह लिखा गया आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं। सेकेंड वैकेंसी देख लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, इसमें बैचलर और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर जो कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, इसमें बैचलर और मास्टर डिग्री वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी एएलपी एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें भी बैचलर और मास्टर डिग्री वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ एक्सपीरियंस दोस्तों देख सकते हैं आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं, इनमें 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस सब में मांगा गया, साथ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी लिखी गई और अप्लाई करने का जो कि बटन भी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी सिंपली आप लोग हम लोग देख लेते हैं जो कि मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें बैचलर और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी न्यूट्रिशन असिस्टेंट की जो कि वैकेंसी है, इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं जो कि बैचलर डिग्री इन न्यूट्रिशन वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो कि सोशल मोबिलाइजर की वैकेंसी है, इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो कि फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी है नेक्स्ट, और यहाँ पर बैचलर डिग्री वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एचआर ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर तालीम वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी सिंपली आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें बैचलर डिग्री वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर जो कि एडमिन लॉजिस्टिक ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं बैचलर डिग्री वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे जो कि एएलपी स्पेशलिस्ट जो कि वैकेंसी है, इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, इसमें दोस्तों देख सकते हैं जो कि बैचलर डिग्री वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप सिंपली देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ की जो कि यहाँ पे वैकेंसी दी गई है,
इसमें मैट्रिक और इंटर तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ यहाँ पे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अपनिंग और क्लोजिंग डेट अप्लाई नाउ को यहाँ पे आगे बटन भी दिया गया है। कि बस दोस्तों सिंपली आपने यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो कि सेफ्टी गार्ड की वैकेंसी दी गई है, इसमें मैट्रिक और इंटर तालीम वाले सिंपली इसमें जो कि अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी ALP टीचर की वैकेंसी, इसमें बेसिक तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो कि वैकेंसी है नेक्स्ट, इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल IT ट्रेनिंग की वैकेंसी है, स्किल्स ट्रेनिंग की वैकेंसी है, मेल ऑफिसर की वैकेंसी है। इन तमाम के लिए दोस्तों देख सकते हैं बेसिक तालीम और मास्टर तालीम की रिक्वायर्ड है, आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है, जिस भी वैकेंसी में आपका क्राइटेरिया बनता है आपकी एज के मुताबिक, आपकी तालीम के मुताबिक और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो देख लेना आप लोग जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब दोस्तों आप लोगों ने इसमें अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप लोगों ने हमारी उसी सेम वेबसाइट पर आ जाना है जिस वेबसाइट का मैंने आप लोगों को जो कि बताया था। तो दोस्तों जिस ही हमारी इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे जिस वेबसाइट के शुरू में मैंने आपको बताया था, तो इस एडवर्टाइजमेंट के आप लोगों ने नीचे आ जाना है। इस एडवर्टाइजमेंट से जैसे नीचे आप लोग आएंगे और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन भी आगे दिया गया है। तो इस सेक्शन में आने का दोस्तों आप लोगों ने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने जो कि सिंपली अगेन यही सेम पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो कि तमाम वैकेंसी सेम नज़र आएंगी। मैं अप्लाई करने वाले दोस्तों देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ में अप्लाई करने वाला हूँ, तो किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने का प्रोसीजर जो कि सेम ही है। तो देख सकते हैं उसके आगे सिंपली अप्लाई का बटन दिया गया छोटा सा, तो मैं सिंपली अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मेरे सामने ये फॉर्म जो कि इस तरह से सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो कि आप लोगों ने अपनी वैकेंसी यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पर जो कि स्पोर्ट्स स्टाफ की अप्लाई करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे तमाम बेसिक डिटेल्स देनी है अपनी, जो कि सिंपल नेम, फादर नेम, CNSE वगैरह जो कि सिंपल चीज़ें। उससे क्वालिफिकेशन का आपने बताना है, मार्क्स वगैरह बताने, कब आप पास हुए, किस यूनिवर्सिटी से पास हुए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने एक्सपीरियंस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो कि लिखना है सिंपली देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस सेक्शन में दोस्तों क्या करना है, अपनी जो कि CV अपलोड करनी है। तो CV अगर आपकी नहीं बनी तो इंशाल्लाह मैं आपको बना के दे दूंगा। तो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए CV जो कि क्रिएट कर दूंगा आपको, और हमारे कुछ चार्जेस वो आपको पे करने होंगे। बाकी आप लोगों ने इस जगह पे आके अपनी जो कि CV अपलोड करनी है। अगर आपकी CV पहले की बनी है तो आपने PDF की या किसी भी वर्ड के फॉर्मेट में आप लोगों ने सिंपली जो कि CV यहाँ पर अपलोड करनी है। और सिंपली उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सबमिट एप्लीकेशन लिखा गया, सिंपली इसको सबमिट करके सिंपली अप्लाई ऑनलाइन इसका कर देना है। तो दोस्तों ये तरीका कार है इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने का। बाकी अगर कोई भी क्यूरी होती है फिर भी तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इनके आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर दिया यार, जल्दी से लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल पर नए तो यार लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को आपने जरूर ऑल पे करना है, इससे नई जॉब्स की अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। तो बाकी नई जॉब्स की अपडेट्स के लिए हमारा चैनल रोजाना की बिना पर विजिट करें। बाकी मिलते हैं फिर आपको इस नेक्स्ट जॉब्स की वीडियो में, जब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।